नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस पे मैंने सैटरडे को एक वीडियो बनाया था, आपने शायद देखा होगा या नहीं देखा होगा, मुझे पता नहीं है। पर अगर ये वाला वीडियो आप देख रहे हैं तो इसमें सबसे पहले मैं रिकॉल कर लूँ जो जो भी मैंने उसमें बताया था, और वो मैं आपको भी बता दूँ। देखिए, उसमें मैंने कुछ लेवल्स मैंने आपको बताए थे कि पहली चीज़ कि नेचुरल गैस का जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ स्टार्ट हो चुका है, और उसमें हम वेट करते हैं कि जो लेवल्स हमें नीचे की तरफ बाउंस करते हुए, छोटे छोटे लेवल्स जो हमें बाउंस करते हुए ऊपर की तरफ हमें मिलेंगे, उस पर हमें बाइंग की कॉल लेकर एंटर करना है। ये पहली चीज़ थी, जिस तरीके का सबसे ज़्यादा सेफ जो हमारे पास एक ट्रेंड रहता है हमारे, हमें किसी कॉल में एंटर करने के लिए। देखिए, कुछ लोग होते हैं वो एक रुपये देखना चाहते हैं, तो वो तो बिल्कुल इंट्राडे ट्रेडर हैं, उनके लिए बाइंग आ जाए सेलिंग आ जाए कोई मैटर नहीं करता। पर ट्रेंड के साथ तब भी आप अगर ट्रेड करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और ये देखा गया है कि उनके चांसेस जो हैं वो 70-30% का एक रेशो बन जाता है, सिर्फ इसी कारण से कि वो ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि आपने कोई ट्रेड लिया है, उसके चांसेस, मतलब आपको कुछ नहीं पता कि ट्रेंड कैसा है, आपने अगर ट्रेंड के साथ लिया होगा तो 70% चांस ये है कि आप प्रॉफिट में एग्जिट करेंगे। अगर आपने ट्रेंड के अगेंस्ट लिया है तो चांसेस ये हैं कि आप 30% चांस ये हैं कि आप प्रॉफिट में एंटर करेंगे। उसका रीज़न ये रहता है कि मार्केट जो है वो मार्केट के अगेंस्ट बहुत ही कम टाइम के लिए सस्टेन करता है, और मार्केट के फेवर में, ट्रेंड के फेवर में काफ़ी ज़्यादा देर के लिए सस्टेन करता है। ये सबसे बड़ा रीज़न रहता है कि आपको अगर नहीं भी पता कि बाइंग लेनी है सेलिंग लेनी है, तो भी आपका ट्रेड प्रॉफिट में ज़्यादा तब जाता है जब आप ट्रेंड के साथ बैठे हों। ठीक है, तो अभी हम वापस बात करते हैं नेचुरल गैस के लेवल्स की। लेवल्स मैंने इसमें आपको ये बताए थे कि अगर इसमें, देखिए 5 मिनट का चार्ट है यहाँ पर, तो ये आपको नज़र आ ही रहा है कि जिस तरीके का, देखिए ये मैं सैटरडे को मैंने बता दिया था, इसलिए मुझे लग नहीं रहा कि मुझे इस पर कुछ ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए। आप उस वीडियो को अगर दोबारा देखेंगे तो आप देख सकते हैं। वापस चलते हैं 1 घंटे की तरफ। 1 घंटे के चार्ट्स पे हमें एक ये चीज़ देखने को मिल रही है कि इसमें ये डाउनसाइड हमें देखने को मिली थी, और मैंने आपको ये बताया था कि 130 पर इसका एक बहुत मेजर ब्रेकआउट लेवल समझ लीजिए और स्टॉप लॉस लेवल आप समझ लीजिए, अगर आप बाइंग में बैठे रहते हैं तो, मतलब सपोर्ट लेवल 130 एग्जैक्ट, ये लाइन आप समझिए। ठीक है, इससे पहले इसमें एक टर्न आने के चांसेस हमें लग रहे हैं, वो यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। अभी जो नेचुरल गैस कॉमेक्स पर ट्रेड कर रही है उसका अगर मैं आपको बताऊं तो वो बिल्कुल अपने पिछले डेज के हाई के आसपास ट्रेड कर रही है, तो चांसेस ये हैं कि ये वाला जो लेवल है इसके ऊपर मार्केट ओपन होगा। अभी मैंने आपको जो फ्राइडे को बताया था मैंने कि आप 130 का आप एक मेजर सपोर्ट लेवल मान के, इसमें जैसे ही एक टर्न आता है तो आप 138.60 इसके ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं, तो शायद हमें ये लेवल भी हमारी आंखों के सामने ब्रेक होता हुआ ना नज़र आए, सीधा हमें नज़र आए कि 140 के ऊपर ही ये ब्रेक हो के ओपन हो रहा है। तो इस तरीके का एक ट्रेंड हमें आज देखने को मिल सकता है, ट्रेंड नहीं मार्केट ओपन होता हुआ। तो अब हमें किन लेवल्स का ध्यान रखना होगा? पहली चीज़ के 138.6 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होगा तो अल्टीमेटली हमने बाइंग की कॉल में एंटर कर लिया है, और फिर जो स्टॉप लॉस होगा वो मेरे हिसाब से आप इसी को फिर आप अपना स्टॉप लॉस मान सकते हैं। पर तब क्या होगा, वो थोड़ा सा इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मार्केट ओपन इतनी ऊपर होगा, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम यही लेवल आप स्टॉप लॉस मान के रख सकते हैं 135 का। ठीक है, 138.60 के ऊपर अगर ओपन होता है तो नेक्स्ट इसका जो एक थोड़ा सा आपको लेवल ध्यान रखना होगा वो होगा 141.50। इसके भी ऊपर मार्केट ट्रेड करता है तो फिर जो नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट लेवल बन चुका होगा वो देखिए, वो बताना थोड़ा अभी मुश्किल है क्योंकि गैप अप ओपनिंग होगी, मार्केट थोड़ा सा टाइम लेगा वहाँ पर अपने आप को सस्टेन करने में, तो तब क्या लेवल रहेंगे वो अभी डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम
135 का आप स्टॉप लॉस लेके आप बहुत इजीली आप मार्केट में एंटर कर सकते हैं, और ये चीज़ आपके ट्रेंड के साथ रहेगी। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड ऊपर है, बाउंस आया है एक और अच्छा सा, तो आपने बहुत अच्छी जगह एंटर किया है, ठीक है। आप बाइंग में बैठिए नेचुरल गैस में, जो एक रेंज में ट्रेड रहा था पिछले 2-3 महीनों से हम देख रहे थे, उसे कहीं ना कहीं एक ऊपर की साइड में ब्रेक होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। और अगर इसी तरीके से ये मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता रहा तो 200-250 के लेवल आपको नेचुरल गैस में बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे। नेचुरल गैस जब मूव करती है किसी एक डायरेक्शन में तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो 10-10, 12-12 रुपये बहुत जल्दी 2-3 दिन में ही आपको सीधा 30-40 रुपये ऊपर आपको लेके चली जाएगी और वहाँ पर सस्टेन करना भी शुरू कर देगी। तो इस तरीके का ट्रेंड हमें नेचुरल गैस में देखने को मिलता है। आइए थोड़ा सा हम टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं, 4 घंटे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक बहुत मेजर चीज़ थी कि इसने इस लेवल के ऊपर का भी एक ट्रेड होते हुए हमें दिखाया था। अब मार्केट ओपन होगा करीब इन लेवल्स पे, तो यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा होगा तो धीरे धीरे ये वाला लेवल भी ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का ट्रेंड हम बनते हुए इसमें देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप मेरा टेलीग्राम चैनल मार्केट रिपोर्ट MCX ज्वाइन कर सकते हैं, और दूसरी चीज़, अगर आपको मुझसे डायरेक्ट कोई बात करनी है, कोई लेवल्स के बारे में डिस्कस करना है, तो आप मुझे मार्केट रिपोर्ट 08 पर भी मैसेज कर सकते हैं, वो मैसेज आप मुझे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बताना चाहता था कि आपकी किसी भी कमोडिटी में, स्टॉक में आपकी पोजिशन फंसी हुई है और आप कुछ लेवल जानना चाहते हैं तो आप मुझे उसके लिए मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरल गैस का वीडियो मैं आज ज़्यादा बड़ा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, मार्केट अपने फेवर में ही है, और इस तरीके का एक जो ओपन होगा वो भी हमारे फेवर में ही रहेगा। मैंने आपको इसमें बताया था कि आप सेलिंग की कॉल जब तक नहीं लेंगे जब तक 130 के नीचे ये ट्रेड करना शुरू नहीं करता। मार्केट अभी तक ऊपर ही है, ऊपर है। देखिए ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब मार्केट ऊपर रहता है तो आपको ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ता। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने बाइंग की पोजीशन ली होगी और वो फंस चुके होंगे, उन्हें सीधा मार्केट ओपन होते ही यहाँ पर नज़र आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक बेनिफिट रहता है जब आप ट्रेंड के साथ हैं, तो ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी होगी अपने हर एक ट्रेड में कि आप ट्रेंड के साथ अगर बैठेंगे तो आपका मुनाफा जो है वो ज़्यादा होगा, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये था मेरा नेचुरल गैस पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।